हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इन स्टूडियोज मेरा नाम है जतन और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक सस्ते माइक्रोफोन के बारे में मैं अपने चैनल पे काफी सारे माइक्रोफोन्स को रिव्यू कर चुका हूं अभी जो मैंने थोड़े टाइम पहले तक करे हैं माइक्रोफोन्स को रिव्यू उनकी प्राइस रेंज थी टेन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड बहुत सारे कॉमेंट्स आ रहे थे कि कोई ऐसा माइक्रोफोन लेकर आइए जिसकी प्राइस काफी कम हो लाइक दो तीन हजार के अराउंड तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक माइक्रोफोन का रिव्यू माइक्रोफोन ब्रांड है फाइव फाइन बहुत लोग इसको फिफिन भी बोलते हैं बट फिफिन नहीं बोलेंगे इसको बोलेंगे सो fine, fine, -E, so दो बार है and इसका model है एंड इसका मॉडल ये माइक्रोफोन मैंने परचेज करा था ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जून को एंड ऑलमोस्ट इसको दो महीने हो गए हैं एंड अब इस पे आ रही है वीडियो बिकॉज अच्छे से मैं इसको टेस्ट करना चाहता था तो सबसे पहले देख लेते हैं इस माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग सो so ये है बॉक्स फाइव फाइन माइक्रोफोन मॉडल नंबर है के सिक्स सिक्स नाइन बी बॉक्स के अंदर आपको सबसे फर्स्ट चीज़ जो मिलती है वो है एक यूज़र गाइड साथ में आपको मिलता है एक माइक्रोफोन टेबल स्टैंड सो हेयर इज़ दी मेन यूनिट माइक्रोफोन फाइव फाइन के सिक्स सिक्स नाइन बी एंड इसमें जो आपको केबल मिलती है वो इसी में अटैच्ड है जैसे कि आप देख सकते हो साथ में आपको मिलता है एक स्टैंड अडेप्टर जो कि इसी में अटैच्ड है एंड इस माइक्रोफोन में आपको एक वॉल्यूम के लिए नॉब भी मिलती है तो ये रहा माइक्रोफोन क्यूट सा टेबल टॉप स्टैंड के साथ आप देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पे आप इसको माउंट कर सकते हो अपने टेबल पे रख सकते हो इसकी अगर प्राइस की बात करें सो so, जिस टाइम पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसकी प्राइस ऑलमोस्ट है 2700 से लेके 2800 के अराउंड हो सकता है आपको सेल में ये 2500 का भी मिल जाए ढाई हजार का भी मिल जाए जब दो महीने पहले मैंने इसको परचेज करा था देन मुझे इसकी प्राइस पड़ी थी वो थी थर्टी टू तीन हजार दो सौ रुपए अब ये माइक्रोफोन आपके लिए एक राइट चॉइस क्यों हो सकता है बिकॉज यहां पे ये एक यूएसपी माइक्रोफोन है अगर आप कोई भी एक्सएल माइक्रोफोन लेते हो हजार बारह सौ पंद्रह सौ का देन उसके साथ आपको रिक्वायर्ड होता है पावर सप्लाई फैंटम पावर सप्लाई आपने पंद्रह सौ का माइक्रोफोन लिया देन उसके बाद आपने पंद्रह सौ रुपए की उसकी फैंटम पावर सप्लाई ली सो so बात तो वही पड़ी तीन हजार का आपको वो पड़ गया माइक्रोफोन विद द फैंटम पार बट यहां पे ये यूएसपी माइक्रोफोन है इसमें आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है जस्ट आपने ये बॉक्स लेना है ये मॉडल लेना है के सिक्स सिक्स नाइन बी एंड यू आर गुड टू गो इसके साथ आपको मिलती है टू मीटर्स की एक यूएसबी केबल जैसा कि आप देख सकते हो इसको जस्ट आपने प्लग एंड प्ले करना है आई मीन प्लग करना है एंड यू आर गुड टू गो आप अपना स्ट्रेट अवे काम स्टार्ट कर सकते हो इसकी लेटेस्ट प्राइस जानने के लिए लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में सो जाके आप चेक कर सकते हो इसकी लेटेस्ट प्राइस अब कर लेते हैं इस माइक्रोफोन का ऑडियो टेस्ट दिखाते हैं ये माइक्रोफोन कैसा परफॉर्म करता है बट उससे पहले वीडियो को कर दो लाइक और चैनल पर पहली बार आयो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब बिकॉज इसी टाइप के रिव्यू वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं इसी चैनल पर कनेक्ट करता हूं अपने पीसी के साथ एंड यहाँ पे मैं इसको ऑडियो टेस्ट करने वाला हूँ ओडासिटी में किसी भी हैवी सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करने वाला हूं बिकॉज आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर से क्वालिटी अच्छी हो जाती है सो so मैं यहां पे एक फ्री सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ ओडासिटी सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ओडासिटी ओपन हो गया है सामने है मेरे माइक्रोफोन एंड यहां पर जो गेन लेवल है अभी मैं इसको जीरो कर देता हूँ और करते हैं इसको रिकॉर्ड एंड आपको थोड़ी सी इसकी सेटिंग भी बता देता हूँ इनकेस अगर आप ये परचेज करते हो सो एडिट रेफरेंसेज यहां पे आप जाओगे डिवाइसेज में यहाँ पे आप देख सकते हो एम एम ई देन उसके बाद यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग पे सिलेक्ट करना है अपना माइक्रोफोन जैसा कि आप देख सकते हो माइक्रोफोन फाइव फाइन के सिक्स सिक्स नाइन यहां पर आ रहा है तो आपको ये यह यहाँ पे चूज करना है देन उसके बाद ओके okay. और उसके बाद आप करते हैं इसको रिकॉर्ड सो so, अब जो यहाँ पे लेवल है वो है 50 परसेंट पे एंड आप देख सकते हो कितना मेरा डिस्टेंस है आपको किस टाइप की क्वालिटी मिलती है एंड इसका जो पैटर्न है वो है कार्डियोइड सो कार्डियोइड जो पोलर पैटर्न है वो सामने से कैप्चर करता है साइड से और बैकग्राउंड से आपका थोड़ा सा कम जो नॉइस है उसको कैप्चर करता है साथ में आवाज़ भी कम कैप्चर करता है उसका फ़ायदा क्या होता है जब आप बोल रहे हो तो डायरेक्टली साउंड जाएगी साथ में नॉइस भी होती है तो अगर नॉइस पूरी जगह से कैप्चर करेगा सो तो नॉइस ज्यादा हो जाएगी बट यहां पे आपको मिलता है कार्डियोइड पोलर पैटर्न सो आपकी आवाज के साथ नॉइस कैप्चर होती है बट काफी कम अमाउंट में कैप्चर होती है अब इसको थोड़ा सा एक्सीड करते हैं सो so, यहां पे मैंने इसकी वॉल्यूम को थोड़ा सा एक्सीड कर दिया है ऑलमोस्ट 80% पे इसकी वॉल्यूम है एंड हो सकता है अभी आपको नॉइस आ रही हो तो अब एक काम करते हैं इसमें से मैं आपको नॉइस भी रिमूव करके दिखा देता हूं एंड मैं थोड़ा सा जब इस टाइप से बोल रहा हूं तो आपको हल्की सी आवाज कम आएगी मेरी बिकॉज यहाँ से मेरा जो डायरेक्शन है वो कैमरे की तरफ है एंड माइक्रोफोन मेरा राइट right में पड़ा है तो यहाँ पे हो गई है स्टॉप अभी जो आपको मेरी आवाज़ आ रही है वो मेरे लेपल माइक्रोफोन से आ रही है अब यहाँ पे नॉइस को रिमूव करने के लिए क्या करना है आपको एक पोर्शन लेना है जहाँ पे आपकी सिर्फ नॉइस हो आपकी आवाज़ नहीं हो सो एंड पोर्शन में ले लेता हूँ यहाँ से लेफ्ट क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से इसको मैं ड्रैग कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा इफेक्ट्स देन उसके बाद नॉइस रिडक्शन यहाँ पे करेंगे गेट नॉइस प्रोफाइल पे क्लिक देन उसके बाद हमें अपना सिलेक्ट करना है पूरा ट्रैक सो so यहां से सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा ट्रैक सो so, यहाँ पे पूरा ट्रैक सेलेक्ट हो गया है अब अगेन जाएंगे इफेक्ट्स देन उसके बाद नॉइस रिडक्शन देन यहाँ पे हम नॉइस प्रोफाइल को कैप्चर कर चुके हैं अब यहाँ पे नॉइस रिडक्शन जो है वो आप सिक्स टी करोगे देन उसके बाद आप क्लिक करोगे ओके पे सो so, यहाँ पे आपकी जो साउंड है आपकी जो वॉइस है रिकॉर्डेड वॉइस है उसमें से नॉइस रिमूव हो चुकी है एक बारी सुन लेते हैं So, अब जो यहाँ पे लेवल है वो है फिफ्टी परसेंट पे एंड आप देख सकते हो कितना मेरा डिस्टेंस है आपको किस टाइप की क्वालिटी मिलती है एंड इसका जो पैटर्न है वो है कार्डियोइड सो कार्डियोइड जो पोलर पैटर्न है वो सामने से कैप्चर करता है साइड से और तो जैसा कि आप देख सकते हो नॉइस यहां पे रिमूव हो चुकी है अब बात कर लेते हैं ये माइक्रोफोन किन लोगों के लिए है सो so, अगर आप एक स्टूडियो सेटअप करना चाहते हो काफी कम बजट पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो पॉडकास्टिंग करना चाहते हो आपका गेमिंग स्टूडियो है देखो स्टूडियो किसी भी टाइप का हो सकता है म्यूजिक स्टूडियो गेमिंग स्टूडियो बहुत सारे स्टूडियो हो सकते हैं तो आप यूज कर सकते हो ये माइक्रोफोन आजकल के टाइम में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अगर आपको एक सेटअप करना है अपना वर्क स्पेस सेटअप करना है अपनी मीटिंग्स के लिए देन उस केस में भी आप इस माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो अगर आपको इसकी क्वालिटी अच्छी लगी है तो अब आप में से काफी सारे लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इस माइक्रोफोन के साथ सिंगिंग कर सकते हैं अपने वोकल्स रिकॉर्ड कर सकते हैं तो हाँ जी आप कर सकते हो बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि इसकी प्राइस पॉइंट काफी ज्यादा कम है तो प्लीज आप इसको कंपेयर मत करना किसी प्रोफेशनल ग्रेड माइक्रोफोन के साथ लाइक like बीस के माइक्रोफोन के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली इसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी आपको कम मिलेगी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट इस माइक्रोफोन के लिए अगर आप सोच रहे हो कि आप इस माइक्रोफोन को अपने मोबाइल फ़ोन के साथ यूज़ कर लोगे तो ऐसा नहीं है मैंने यूज़ करके देखा मैंने ट्राई करके देखा बट ये मोबाइल फ़ोन के साथ वर्क नहीं करता है यहाँ पे जो बार्स आ रहे हैं वो जो मोबाइल का इंटरनल स्पीकर है वो यूज़ हो रहा है माइक्रोफोन यूज़ नहीं हो रहा है माइक्रोफोन कैप्चर नहीं करता है सो so माइक्रोफोन ये जो माइक्रोफोन है वो मोबाइल फ़ोन के साथ कंपैटिबल नहीं है अगर इस माइक्रोफोन के कॉन्स की बात करें तो ऐसा कोई कॉन मेरे को नहीं लगा है बिकॉज जिस प्राइस पॉइंट पे ये आता है काफी अच्छी आपको क्वालिटी दे देता है ऑडियो क्वालिटी एंड फुल मेटल का बना है बट एक चीज है जो मेरे को पसंद नहीं आई है पर्सनली वो है इसकी अटैच्ड केबल अगर इसकी केबल को आप अटैच कर सकते अगर इसमें ऑप्शन होता तो एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट रहता इस माइक्रोफोन के साथ बिकॉज अगर आपकी केबल यहां से कट जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है एंड अगर वो केबल अटैचेबल होती एंड अगर आपकी केबल खराब हो जाती तो आप इजिली दो ढाई सौ रुपए की दूसरी केबल ला के अपने माइक्रोफोन के साथ यूज कर सकते थे आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये माइक्रोफोन आपको कैसा लगा है ये वीडियो अच्छा लगा है सो वीडियो कर देना लाइक like, चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में प्लस फाइफाइन का मेरे पास एक माइक्रोफोन और है उसका भी वीडियो बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ